त्यानंतर एकच धर्म आपला तो म्हणजे क्रिकेट, आणि त्याच्यामुळे या मोहिमेला आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही पाठिंबा देतो आहे, आणि त्यामुळे ब्लॅक लाईव्ज मॅटर मोहीम इथे राबवली जाते. क्षेत्ररक्षण सजून घ्या, ज्यावेळेला विसल वाजेल आमच्या मुख्य व्यासपीठावरून त्यावेळेला तुम्हाला तुमची पोझिशन घ्यायची आहे. फिल्डिंग करणारी टीम आपल्या गुडघ्यावर बसेल आणि फलंदाजी करणारे खेळाडू एक हात छातीवर किंवा एक हात वर करून या मोहिमेला पाठिंबा देऊ शकतात. आमचे पंच आपला उजवा हात आपण आपल्या छातीवर ठेवावा. NMPL दरवर्षी काहीतरी नवीन तुमच्यासाठी घेऊन येते आणि याही वर्षी हा आमचा संकल्प होता. पहिल्या दोन सामन्यामध्ये आम्ही या गोष्टी केल्या नाही, कारण पाहुणे होते, मान्यवर आले होते, थोडीशी घाई होती, सामना सुरू करायचा होता. परंतु यानंतर जे सामने आहेत या प्रत्येक सामन्यामध्ये या मोहिमेला आपण पाठिंबा देणार आहोत. सर्व खेळाडू सेट झालेत, पंकज ऑल सेट, आणि ज्यावेळेला विसल इथे वाजेल त्यावेळेला तुम्ही तुमची पोझिशन घ्यायची आहे. लेट्स स्टार्ट द मॅच. जाऊया लगेचच आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. इथे जोडले जात आहेत प्रदीप विचारे सर, इट्स ओवर टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, बहुत अच्छी संकल्पना है. अगर देखा जाए तो NMPL 17-3 का थरार आप देख रहे हो. बहुत ही उमदा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन. आदरणीय आयोजक श्रीमान संदीप जी गणेश जी नाइक सर और उनके तमाम साथी जो NMPL की कमेटी है, इनको जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है. तो यहाँ पे मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है. कुक्षित एवेंजर्स बनाम रुद्र 11 वहाँ पे इन दोनों टीमों के दरमियान यहाँ पे ये मुकाबला खेला जा रहा है. कुक्षित एवेंजर के संगनायक पंकज पाटिल ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है. ओमी नाई काफ़ी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का, नवी मुंबई दिवागांव के एक क्रिकेट के सितारे, और पहले ही गेंद को उन्होंने पुल कर दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के पार और यह 4 रन. बहुत ही उमदा बल्लेबाजी करते हैं ये ओमी नाइक. जिस तरीके से मुझे विघ्नेश ने यहाँ पे इत्तला दी थी, मेरे ख्याल से 22 अंडर 22 में इन्होंने 3 मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार जीते थे पिछले पखवाड़े में, और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी अंडर 22 में इस खिलाड़ी ने जीता है. बहुत ही उमदा क्रिकेट के ये खिलाड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं है. एकमात्र शतक जो नवी मुंबई में लगा है ये ओमी केनी, प्रकाश केनी, इनके बल्ले से आया है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बेहतरीन और लाजवाब खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, और इनके सामने इनका बहुत बड़ा करियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है. क्षेत्ररक्षण फैला हुआ 30 गज के दायरे के अंदर, विकेट के ऊपर पंकज काफी पीछे, विकेट के एक फ्लाई स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, यह ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण. ये चले गेंदबाज धनेश ओवर विकेट पर तबाह ऑफ ड्राइव किया है बिल्कुल सीधे बल्ले से ओमी केनी ने. क्षेत्ररक्षक थे मिड ऑफ रीजन में विनोद पाटिल ने गेंद को रोका और कोई भी रन नहीं बना. फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंदबाजी कर रहे अतुल भालेकर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, पैवेलियन छोर से 8-10 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप, हमसे दूर भागते हुए ओमी केनी के लिए, और ये फुल टॉस गेंद थी. और इस तरह की गेंद को नहीं बख्शेंगे ओमी केनी. डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को खेला था उन्होंने, उस ओर क्षेत्ररक्षक है डीप स्क्वायर लेग में. आकाश ने गेंद को रोका और तब तक दौड़कर 1 रन अर्जित किया है ओमी प्रकाश केनी ने. इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है रुद्र 11 महापे का 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि ये पावर प्ले का पहला ओवर यहां पे फेंका जा रहा है. दायां और बायां जब कॉम्बिनेशन होता है तब खिलाड़ियों को और एम्पायरों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है. विजय पाटिल जी और रूपेश सावंत सर इस मैच के लिए एम्पायर मैदान के बीच में खड़े. फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंद अतुल भालेकर, उनके सामने सिद्धेश मात्रे मैन फ्रॉम धारावे. ये गेंद आने का इंतजार किया, ऑन ड्राइव किया था, वहां के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका,
विनोद पाटिल ने और कोई भी रन नहीं बना। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि एक चौका जरूर जड़ा था पहली गेंद के ऊपर ओमकार केनी ने, उसके बाद अच्छी वापसी की है अतुल भालेकर ने। फिर एक मरतबा अतुल भालेकर, 8-10 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। दाने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, ये गेंद कवर के क्षेत्र में हवा में गई और क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की। और इस तरीके से आकाश ने यहां पे कैच पकड़ लिया और यहां पे सिद्धेश मात्रे आउट हो गए, वापिस जा रहे पैवेलियन की तरफ। लेंथ गेंद थी और इस गेंद को खेलना चाहते थे जमीन के सारे, कारपेट के सारे, लेकिन गेंद को यहां पे नीचे नहीं रख पाए और गेंद हवा में गई। और इस तरीके से गेंद शायद कुछ चोट आई है खिलाड़ी को, अगर यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है तो मुहैया कराइए। मैदान के बीच में एम्पायर रूपेश सावंत सर इशारा कर रहे मैदान के अंदर से। तो इस तरीके से पहला झटका यहाँ पे पहुंचा है रुद्र 11 महापे को, उनके आरंभिक बल्लेबाज सिद्धेश मात्रे आउट होके वापिस जा रहे। क्या बोलना चाहोगे इस विकेट के ऊपर विघ्नेश? विकेट खूप महत्त्वाची आहे की सिद्धेश मात्रे जर पाहिले तर मच्छिंद्र स्मृती दारावे या टीमकडून बिलॉंग करतोय आणि सलामीवीर म्हणून अनेक स्पर्धा ज्याने गाजवल्यात, इन्फॉर्म बॅट्समन आहे। पण या मॅचमध्ये जर पाहिली तर अतुल भालेकरचं मी कौतुक करेन की अचूक टप्प्याची गोलंदाजी आतापर्यंत केली जाते आणि प्रामुख्याने पहिला बॉल सोडला, हाफ ट्रॅकर सोडला, तर बाकीचे सगळे बॉल खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी केली, त्यामुळेच या षटकामध्ये यशस्वी झालाय अतुल भालेकर। मी कौतुक करतोय आणि त्याचबरोबर एक अनाउन्समेंट करतोय नेक्स्ट मॅचसाठी, कारण की या स्पर्धेचा नियम आहे की एकदाच अनाउन्समेंट केली जाईल। पुढची मॅच ट्रायडेंट लॉजिस्टिक वर्सेस वाशी इंडियन्स, या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल की तिसरे षटक जसं सुरू होईल तसं तुम्ही मुख्य व्यासपीठाच्या समोर उभे राहा, आपली प्लेइंग लिस्ट घेऊन त्याला टिक करून ही घोषणा फक्त एकदा केली जाईल। त्यानंतर तिसऱ्या षटकात तुमचा जर कॅप्टन उपस्थित नसेल तर तुम्हाला इथे दंडित केलं जाईल। यासाठी तुम्हाला एक विनंती असेल नेक्स्ट मॅच ट्रायडेंट लॉजिस्टिक वर्सेस वाशी इंडियन्स। ओर टू सर विघ्नेश, क्या जबरदस्त आयोजन है NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग 17 का। देखिए जैसे ही खिलाड़ी को मैदान के बीच में थोड़ी सी चोट लगी है, डॉक्टर मैदान के बीच में गए, यानी कि डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है और उनकी तरफ से यहाँ पे जो खिलाड़ियों को चोट लगी है उसे देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है और डॉक्टर कुछ उनके ऊपर मरम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं और यही खूबसूरती है। इसीलिए अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व का जो निगाह है ये नवी मुंबई प्रीमियर लीग के ऊपर लगी हुई है। 2022 के ये मुकाबले 6 जनवरी को ये प्रतियोगिता यहाँ पे शुरू हुई है। आदरणीय नवी मुंबई के आनबान शान, आदरणीय लोकनेते गणेश जी नाइक सर, इनके शुभार्थ से इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ और उसके बाद ये क्रिकेट प्रतियोगिता बड़े जोर शोर से दस्तक दे रही है अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व के ऊपर विघ्नेश। नक्कीच, कारण की ज्या पद्धतीने या स्पर्धेची आखणी केली गेली आहे, या स्पर्धेसाठी कुठल्या गोष्टी हव्यात, कुठल्या गोष्टी आवश्यकता आहे त्यासाठी देखील प्रयत्न केला आणि मी संपूर्ण NMPL कमिटीला मी कौतुक करतोय की ज्यावेळेस खेळाडूला कुठली दुखापत होते त्यासाठी डॉक्टर उपलब्ध करणं हे देखील महत्त्वाचं असतंय आणि तेच उपक्रम राबवला जातोय इथे NMPLच्या माध्यमातून। खूप चांगली स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टी इथे उपलब्ध आहेत। स्वराज मात्रे नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, मैन फ्रॉम गोठुली, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है ये स्वराज मात्रे। ये लेंथ गेंद हवा में खेला और कवर के क्षेत्र में कैच लपक लिया, वहां पे प्रमोद पाटिल ने ये कैच लपक लिया और इस तरीके से ये दूसरा झटका पहुंचा। लेंथ गेंद थी, उसे नीचे नहीं रख पा रहे यहां पे रुद्र 11 महापे के बल्लेबाज और एक के पीछे एक दो खिलाड़ी आउट होके वापस गए पैवेलियन की जानब। अतुल भालेकर का बॉलिंग एनालिसिस देखिए, उन्होंने पहला ओवर यहां पे पावर प्ले का फेंका जिसमें उन्होंने 5 रन खर्च किए और 2 बेशकीमती सफलता उन्होंने प्राप्त की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन और उमदा गेंदबाजी यहां पे अतुल भले करने की है। हालांकि अगर पहली गेंद के ऊपर एक चौका जरूर जड़ा था ओमकार केनी ने, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी यहां पे की है अतुल भले करने। क्या बोलना चाहोगे विघ्नेश इस ओवर के बारे में? नक्कीच, कारण की हे षटक अप्रतिम षटक म्हणावं लागेल। पहिला बॉल वगळता 5-5 चेंडू इम्प्रेस केलाय अतुल भालेकरकडे, वेग आहे वेगाने, त्याचबरोबर नियंत्रणबद्ध गोलंदाजी केली आणि आज जर पाहिलं तर 2 खेळाडूंना बाद करण्यात तो यशस्वी झालाय। पहिल्या जर पाहिलं तर पहिलाच बॉल फेस करत असताना आपण पाहू शकाल फलंदाज
स्वराज्य म्हात्रे हा देखील फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. पहिले षटक अप्रतिम षटक म्हणावं लागेल. पहिल्या षटकामध्ये इथे मी तर म्हणेन पकड निर्माण केली आहे आतापर्यंत या मॅच मध्ये. राज कोटनकर आए नए बल्लेबाज विकेट का पतन होने के बाद और दूर वाले छोर से गेंदबाजी का यहां पे जिम्मा सौंपा जा रहा है. गेंदबाज गणेश मडवी गेंदबाजी के लिए यहां पे तलब किए जा रहे हैं. दूसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और पंकज पाटिल द्वारा शतरक्षण की जमावट की जा रही है. पंकज पाटिल विकेट के पीछे खड़े काफी दूर विकेटों से और एक स्लीप के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है. एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण. ऑन साइड में 30 गज के दायरे के अंदर एक शॉट फाइन लेग, थोड़ा सा वाइडिश रखा हुआ है. एक डीप स्क्वायर लेग रखा हुआ है. एक 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ एक शॉर्ट मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग वन यहां पे रखा हुआ है. तो ओमकार केनी, ओमकार प्रकाश केनी जो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस सत्र में, देखते किस तरह की बल्लेबाजी आज यहां पे कर पाते. नया ओवर प्रारंभ करते सुधीर पाटील अग्रोली वरून उपस्थित झालेत. स्वरूप पाटील अग्रोली वरून उपस्थित झालेत. अभिजीत म्हात्रे कोपरखेडण्यावरून उपस्थित झालेत. आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आणि याच दरम्यान मंगेश सोनावणे यांचं इथे आगमन झालंय. एसएन एंटरप्राइजेसचे मॅनेजर ते आहेत. त्यांचं सहर्ष स्वागत. ही संपूर्ण स्पर्धा संपन्न होण्यामागे त्यांचं देखील मोलाचं योगदान आहे. त्यांचा देखील हातभार खूप मोठा आहे. तर स्वागत आहे आपलं मंगेशजी सोनावणे. आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हा. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. हे सन्मान सर्व आपण इनिंग ब्रेकमध्ये घेणार आहोत. कुल स्कोर आहे 9 रन. बहुत ही उमदा बल्लेबाजी करते ओमकार ओमी प्रकाश केनी. काफी नजदीक से देखते हैं गेंद को. इस मरतबा ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग होके ऑफ स्टंप के बाहर की जानब निकलती हुई आउट स्विंग गेंद. और इस गेंद के ऊपर बल्ला जरूर चलाया था ओमकार प्रकाश केनी ने. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया. कोई भी रन नहीं बना. स्कोर अभी भी 9 रन के कुल योग पे अटका हुआ. 2 विकेटों का पतन हुआ है रुद्र 11 महापे का. इस ओवर की अगली गेंद और इस पर तबा पुल कर दिया है. पावरफुल पुल और गेंद गई है मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर. और यह लंबा सिक्सर ओमकार केनी के बल्ले से निकलता हुआ. डीजे ओमकार यहां पे पूरी तरह से फ्लो में है, फॉर्म में है और अपने बल्ले की नजाकत यहां पे अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व को दिखाते हुए कि क्यों मैंने एक सैकड़ा ठोका है. अगर बात छेड़ी जाए तो दीवा गांव की तरफ से खेलते हुए अंडर 22 में जिस तरीके से विघ्नेश ने यहां पे बात छेड़ी, 3 मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार उन्होंने पिछले पखवाड़े में प्राप्त किए और उसके बाद आगे जाके उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्राप्त किया. बहुत ही उमदा बल्लेबाजी करते हैं. देखते हैं कहां तक अपने टीम को यहां पे ले जाने में सफल हो पाते. बहरहाल यहां पे गणेश मडवी उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी. इस मरतबा अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को और इस गेंद को हल्के हाथों से खेला था. शॉर्ट मिड विकेट 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ एक रन दौड़ के अर्जित किया है ओमकार केनी ने. और इस तरीके से कुल स्कोर है रुद्र 11 महापे का. 2 विकेटों के पतन के बाद दूसरा ओवर पावर प्ले का है 16 रन. जबकि यहां पे 2 विकेटें उन्होंने गंवाई है. दाया और बाया कॉम्बिनेशन है. अब वो स्ट्राइक में जा रहे हैं राज गोठनकर मैन फ्रॉम मापे गांव. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं. उनके लिए भी क्षेत्ररक्षण उसी तरह से. विकेट कीपर पंकज पाटिल बिल्कुल विकेट से चिपके हुए. एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ. ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को स्वीप कर दिया था. उस ओर क्षेत्ररक्षण कर रहे प्रमोद पाटिल. जब तक वो गेंद को उठा के थ्रो करते विकेट कीपर के हाथ में तब तक एक रन के लिए निकल पड़े थे दोनों बल्लेबाज. एक रन के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है. कुल स्कोर है 17 रन. जबकि ये दूसरा ओवर पावर प्ले का यहां पे फेंका जा रहा है. गणेश मडवी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने ओमकार प्रकाश केनी अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए. ओमकार क्षेत्ररक्षण का मुआयना किया और अब तैयार हो रहे खेलने के लिए ओमकार केनी. गणेश मडवी दूर वाले छोर से ओवर द विकेट और इस पर गेंद को लॉफ्ट कर दिया है.
वाइडिश लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाहर और यह लंबा सिक्सर ओमकार केनी के बल्ले से निकलता हुआ। डीजे इस रन, हालांकि जब दो विकेटों का पतन हुआ था जब पहले ओवर में, तब विघ्नेश ऐसा नजारा नजर आ रहा था कि रुद्र 11 महापे की टीम यहां पे लड़खड़ा जाएगी, लेकिन बहुत ही उमदा फॉर्म में अपने जीवन के ओमकार केनी, जिस तरीके से उनका नाम है उस तरीके से मैदान के बीच में वो काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने यहां पे दो छक्के और दो चौके जड़े और 22 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे विघ्नेश? यस, क्षमता आहे, एबिलिटी आहे आणि खूप मेहनत करतोय आपल्या बॅटिंगसाठी। अनेक वेळा त्याच्याशी चर्चा देखील करतोय आणि क्रिकेटवर फोकस आहे हा खेळाडू। प्रकाश केणी यांचा सुपुत्र आहे, ज्या प्रकाश केणीने सुरुवातीलाच जर पाहिलं तर लेदर क्रिकेट, शालेय जीवनापासून लेदर क्रिकेट खेळले, चांगल्या डिव्हिजनमध्ये क्रिकेट खेळले, नंतर टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये सध्याच्या घडीला म्हणजेच 2 वर्षात या ओमी प्रकाश केणीने इम्प्रेस केलं आहे। लाजबाब क्रिकेट सध्याच्या घडीला ओमीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय आणि या मॅचमध्ये देखील धुवाधार बॅटिंग करतोय आपण पाहू शकाल। तो हर्षल मडवी को तलब किया जा रहा है नया ओवर प्रारंभ करते हुए। पुल करने का प्रयास किया था, गेंद हवा में गई थी, लेकिन वहां पे जो क्षेत्ररक्षक है कैच को लपकने में असफल रहे रोशन पाटिल, और तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन यहां पे अर्जित किया। मेरे ख्याल से रुद्र 11 महापे के जो खिलाड़ी है उनकी रणनीति यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है ये ओमकार केनी को परिवर्तित किए जाए, क्योंकि उनके बल्ले के बीचों बीच गेंदे लग रही है और काफी अच्छे टच में चल रहे ये खिलाड़ी इस सत्र में। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं हर्षल मडवी ओमकार केनी के सामने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 24 रन। NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग आदरणीय माजी विधायक श्रीमान संदीप जी गणेश जी नाइक सर इस क्रिकेट प्रतियोगिता के स्पॉन्सर है और हमारी जो NMPL की कमेटी है उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत की है। जिस तरह से कृणाल दाते यहां पे बता रहे थे उनकी जितनी भी सराहना इन सभी की जाए उतनी कम है। फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंद धनिया से ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान जो लंबा फासला है उसके बीच में बाउंड्री लाइन के पार और ये 4 रन। तो इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 28 रन। विघ्नेश, जब खिलाड़ी काफी अच्छे टच में होता है, फॉर्म में होता है, तब आपको आप उसे हाफ ट्रैकर गेंद नहीं फेंक सकते और सही यहां पे अंजाम दिया है ओमकार केनी ने। यस, अशा पद्धतीची गोलंदाजी जर ओमी प्रकाश केणीला करतात तर नक्कीच त्याचा भूदंड भरावा लागेल आणि हाफ ट्रॅकर त्याचबरोबर शॉर्ट आर्म पुल असे फटके अनेक त्याच्या भात्यात आहेत, त्यामुळेच तेवढी क्षमता आहे। मेन झोन आहे, स्ट्रेंथ आहे त्याची, त्या स्ट्रेंथच्या ठिकाणी जर गोलंदाजी केली तर नक्कीच घातक ठरेल हा फलंदाज। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ गेंद को यहां पे फिर एक मरतबा पुल कर दिया है और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखे के बाहर और ये एम्पायर इशारा कर रहे हैं। ये लंबा सिक्सर, क्या जबरदस्त पारी खेल रहे हैं ओमकार केनी, अपने बल्ले की नजाकत अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व को NMPL के जरिए यहां पे दिखाते हुए ये ओमकार केनी। क्यों, इनके नाम के पीछे एक बड़ा सैकड़ा है, ये इन्होंने हमेशा ही अपनी योग्यता मैदान के बीच में उन्होंने साबित किए विघ्नेश। यस, नक्कीच, कारण की NMPL सुरू व्हायच्या आधी ऑक्शन संपल्यानंतर चर्चा करत असताना NMPL साठी काय तयारी आहे ओमी, तर मी म्हटलं खूप प्रॅक्टिस करतोय, सकाळी 2 तास आणि संध्याकाळी 2 तास फक्त बॅटिंग करतोय, एवढी प्रॅक्टिस मी फक्त NMPL साठी केली आणि पहिल्याच मॅच मध्ये दाखवतोय आपला दरारा, आपला धमक, आपला क्लास, आपला टेम्परमेंट, या मॅच मध्ये इम्प्रेस केलंय ओमी प्रकाश केणीने। किसी भी चीज के अभ्यास के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते और यही काम ओमी केनी ने किया है। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस पर दबा लेग ब्रेक होती हुई गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन इस मरतबा गेंद टप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से तैरती हुई विकेट कीपर के हाथ में चली गई और कोई भी रन नहीं बना। तो इस तरीके से कुल स्कोर है 34 रन रुद्र 11 महापे का।
ये गेंद इस मरतबा लेंथ गेंद थी और इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार और ये चार रन ओमी केनी के बल्ले से निकलता हुआ, ये और एक चौका और इस तरीके से ओमकार केनी ने अपनी टीम रुद्र 11 महापे को पहुंचाया है यहां पे 38 के कुल योग पे। अभी भी इस तीसरे ओवर की एक गेंद अनिशेष है। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक बनाम वाशी इंडियंस, दोनों टीम के कप्तानों से मेरी गुजारिश है कि आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, आपको यह ऑफिशियल अंतिम कॉल यहां पे किया जा रहा है। जिस तरीके से विघ्नेश आपने जब आप पिछले मैच में कमेंट्री कर रहे थे, आपने कहा कि जो खिलाड़ी ऑक्शन में जो पास नहीं हुए, जिनको लिया गया नहीं एनएमपीएल अनसोल्ड हुए, उन्होंने मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए विघ्नेश तो उन्होंने काफी मेहनत करने की जरूरत है, तो आने वाले ऑक्शन में हो सकता है कि उनको यहां पे खेलने का अवसर मिलेगा। क्यों मायूस मत होइए, आप तैयारी करिए। जिस तरीके से आपने बात छेड़ी ओमकार केनी, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे अपने बल्लेबाजी का अभ्यास करते हैं। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, फिर एक मरतबा ऑफ ब्रेक होती हुई गेंद स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के रेंज में नहीं आई और गेंद गई थी गली रीजन में, वहां पे रन लेने का प्रयास नहीं किया गया और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद रुद्र 11 महापे का कुल स्कोर है कुक्षत एवेंजर्स के साथ खेलते हुए टॉस हारने के बाद पहली मरतबा बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेटों के पतन के बाद 38 रन। अगर मैं कहूं विघ्नेश यहां पे अगर टेनिस क्रिकेट में लाइव में अगर किसी ने अगर प्रगति की है, यानी कि अगर किसी ने धमाकेदार अगर एंट्री की है तो उनका नाम है ये जो यहां पे लाइव बता रहे संतोष नानेकर tennisticket.in। और उसी तरीके से मैं कहूंगा कि अगर टेनिस क्रिकेट में अगर किसी कमेंटेटर ने काफी बड़ा कदम रखा है, काफी बड़ी महारत हासिल की है तो उनका नाम है कृणाल दाते। मैं कहूंगा हमें गर्व होता है अगर हम लोग नवी मुंबई के क्रिकेट कमेंटेटर है तो कृणाल दाते को देख के काफी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए एक छोटा सा बंदा पर्वत आज कितने आगे निकल के गया है। और इसलिए नवी मुंबई में जो नए नए क्रिकेट कमेंटेटर आएंगे ये कृणाल दाते का अनुकरण जरूर करेंगे, उनको देख के आगे जाने का प्रयास जरूर करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी चैनल के लिए अगर आप क्रिकेट कमेंट्री करते हो तो ये आपके जिंदगी की सबसे बड़ा अवसर है और यह प्रगति यहां पे की है कृणाल दाते। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नया और प्रारंभ करते हुए यहां पे गेंदबाज प्रमोद पाटिल और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और कैच आउट हो गए, बहुत ही लाजवाब कैच लपक लिया, लॉन्ग ऑन से दौड़ के आए थे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में विनोद पाटिल और इस तरीके से यहां पर यह तीसरा झटका पहुंचा है। कुल स्कोर है 38 रन 3 ओवर और एक गेंद के समाप्ति के बाद और इस तरीके से रुद्र 11 महापे को यहां पे ये तीसरा झटका पहुंचा है। विघ्नेश यस नक्कीच, कारण की आतापर्यंत जर पाहिलं तर 3 गडी बाद झाले, 3 फलंदाज जर पाहिलं तर आपल्या टीम साठी ज्या अपेक्षा होती तितक्या धावा करू शकला नाही, एक हाती झुंज देतोय। मी तर म्हणेन ओमी प्रकाश केणी आतापर्यंत जो फलंदाज येतो तो बॅक टू बॅक तंबूच्या आश्रयाला परतलाय, ती 7 लाभणं गरजेचं आहे आणि उमेश म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये आहे। ओवर टू कुणाल सर। ट्रायडंट लॉजिस्टिक नवी मुंबई टीमचे कॅप्टन आमच्या मुख्य व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे। ट्रायडंट नवी मुंबईचे कॅप्टन एकच वेळा कॉल होईल, लक्षात घ्या। 5 ओव्हरच्या दरम्यान टॉस आपण प्रत्येक मॅचचा केला, हा तिसरा सामना रंगतोय। ये बहुत अच्छी गेंद थी, इस मरतबा लेंथ गेंद थी नीचे रहती हुई टप्पा खाने के बाद और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बल्लेबाज उमेश म्हात्रे, काफी अच्छे कारगर खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट जगत के उमेश म्हात्रे, घनसोली गांव के नवी मुंबई के हमारे ये बहुत ही उमदा क्रिकेट के खिलाड़ी, देखते हैं किस तरीके का प्रदर्शन आज यहां पे कर पाते हैं। हालांकि ओमी केनी ने कुछ कान मंत्र दिया है, कुछ कानाफूसी की है। फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंद, इस मरतबा ये लो फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को तान दिया है वाइड स्पीड विकेट के ऊपर से, ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ उमेश म्हात्रे के बल्ले से और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। रुद्र 11 महापे का कुल स्कोर है 44 रन, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे प्रमोद पाटिल गेंदबाजी कर रहे गांव एंड की जानब से। क्षेत्रक्षण देखिए, विकेट के पीछे विकेट कीपर थोड़े से दूर खड़े, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा हुआ है, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्रक्षण, ऑन साइड में 30 गज के दायरे के अंदर एक शॉर्ट फाइन लेग और अगर ऑन साइड में देखा जाए तो काफी दूर तक फैला हुआ क्षेत्रक्षण, डीप लॉन्ग ऑन रखा हुआ है, एक डीप मिड विकेट, एक वाइड स्पीड विकेट। इस मरतबा ये गेंद कुछ अलग करने का प्रयास किया था, जब सीधे बल्ले से रन आते हैं तब बल्लेबाज कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं और अपनी विकेट गवाते हैं, इसी तरह से कुछ उमेश म्हात्रे के साथ हुआ और उन्होंने यहां पे ये विकेट गवा दिया। कुल स्कोर है रुद्र 11 महापे का 44 रन, जबकि ये विकेट का पतन हुआ है चौथे विकेट का।
Yes, एक षटकार आला होता, चांगली बॅटिंग करत होता, मिडल झाला होता, पण यावेळेस एक वेगळा फटका खेळण्याच्या मोहात मात्र आपली विकेट गमवतोय. उमेश म्हात्रेकडे क्षमता आहे. आपण पाहिलं तर याच मैदानावर जर पाहिलं तर संकेत पाटील मुरबी याच्या अगेन्स्ट धर्मवीर आनंदिगे चषकमध्ये 4 बॉलमध्ये 4 षटकार, 6 बॉलमध्ये 6 षटकारची किमया देखील घणसोली अंतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळली आहे. यावेळेस षटकार आल्यानंतर असा स्ट्रोक खेळणं गरजेचं होतं का? डगआउटमध्ये जाता जाता नेहमीच त्याच्या डोक्यात तो प्रश्न येईल. और डगआउट में उनके जो संघ मालक बैठे हुए हैं, उनके जो साथी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ये भी उनके साथ सलाह मशवरा करेंगे कि जब सीधे बल्ले से आपके रन मुकम्मल हो रहे थे तो क्यों ऐसा स्ट्रोक खेलने का आपने प्रयास किया. ये सब बातें क्रिकेट में होती रहती है. इस ओवर की अगली गेंद और इस मरतबा फिर एक मरतबा लॉ फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से फिर एक मरतबा लॉफ्ट कर दिया है बल्लेबाज अनिल जादव ने और यह लंबा सिक्सर निकलता हुआ अनिल जादव के बल्ले से. कुल स्कोर है 50 रन रुद्र 11 महापे का, जबकि उनके टीम ने यहां पे 4 विकेट गंवाई है. हालांकि अगर देखा जाए तो प्रमोद पाटिल थोड़ी सी धीमी गति से गेंदबाजी करने का प्रयास यहां पे कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं कर रहे हैं अपने गेंदों के ऊपर. लोग फुल टॉस गेंदे लगातार उन्होंने 2 फेंकी और उसके ऊपर 2 लंबे सिक्सर यहां पे आए. फिर एक मरतबा प्रमोद पाटिल काफी अच्छे कारगर खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के. ये हाफ ट्रैकर गेंद थी और इस मरतबा गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में हवा में खेला और उस ओर क्षेत्र रक्षक है उन्होंने कैच पक लिया विनोद पाटिल ने और इस तरीके से यहां पे विकेट का पतन हुआ. हालांकि प्रमोद पाटिल इस चौथे ओवर में महंगे सभी जरूर साबित हुए, लेकिन उन्होंने इस ओवर में 3 सफलता प्राप्त की और यही योग्यता होती है एक अच्छे खिलाड़ी की, एक मंजे हुए खिलाड़ी की. तो इस तरीके से कुल स्कोर है रुद्र 11 महापे का 5 विकेटों के पतन के बाद 50 रन, जबकि यहां पे ओवर फेंके गए हैं 4. अभी भी एक ओवर यानी कि 6 गेंदें आनी शेष है. विघ्नेश क्या बोलना चाहोगे? ओमी केनी एक तरफ मंजे हुए जमे हुए, ना सिर्फ जमे हुए मंजे हुए बल्कि बड़े बड़े लंबे लंबे स्ट्रोक खेल रहे, क्या बोलना चाहोगे? यस, सेट बैट्समैन ओमी प्रकाश केनी हा मैदानाच्या आतमध्ये आहे, चांगली बॅटिंग करतोय, सलामीवीर म्हणून या मैदानात उतरला आहे आणि यावेळेस अखेरच्या षटकात तो काय करेल याकडे देखील लक्ष असेल रुद्र 11 माफे टीमचं. प्रदीप सर, रुद्र 11 माफे टीम म्हणजे संदीप डावरकर यांचा हा संघ आहे, यांनी संघ प्रस्थापित केला. पण संदीप डावरकरची ओळख जर पाहिलं तर स्वर्गीय संजय पाटील अंकल यांचे मेवणे आहे. ज्या संजय पाटील अंकल या व्यक्तीने, कैलासवासी संजय पाटील अंकल या व्यक्तीने क्रिकेटसाठी काय योगदान दिलंय, एसबी 11 असेल किंवा घणसोली 11 असेल, घणसोली क्रिकेटसाठी नाही तर नवी मुंबई क्रिकेटसाठी खूप चांगलं योगदान स्वर्गीय संजय पाटील स्मृती चषक किंवा आपण अनेक स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिल्या. प्रदीप सर, तुम्ही देखील त्यांच्या सोबत अनेक वर्ष होतात, काय आठवणी सांगाल सर? बिलकुल, आदरणीय संजय पाटील अंकल अलग ही किस्म के बंदा पर्वत थे, इसमें कोई संदेह नहीं है. क्या जबरदस्त उन्होंने सेवा की है नवी मुंबई क्रिकेट की और एक से बढ़ के एक क्रिकेट के खिलाड़ी उन्होंने दिए. अच्छा खासा आयोजन उनकी तरफ से किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि इतने अच्छे आयोजक हमारे नवी मुंबई के क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले आज हमारे बीच में नहीं है. ना केवल घनसोली गांव का नुकसान हुआ है बल्कि अखंड नवी मुंबई का, अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व का उनके जाने के वजह से नुकसान हुआ है. और देखिए, जैसे ही उनका नाम आपने यहाँ पे छेड़ा हमारे बदन के ऊपर बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए सैंडी. यस, त्यांचाच मेवडा संदीप डावरकर यांच्या माध्यमातून ही संघ देखील मैदानाच्या आतमध्ये उतरलाय. स्लॉगरचं षटक आहे. योगेश भुईर मॅन फ्रॉम कोपरी अतिशय चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे आणि आत्ता जर पाहिलं तर स्लॉगरच्या षटकात हे 2 फलंदाज खऱ्या अर्थानं रुद्र 11 माफी टीमसाठी चांगली बॅटिंग करावी लागेल. अखेरचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज येतोय सुमित साळवी एक्सपिरियन्स मॅन. देखिए क्या जबरदस्त कडक शॉट और ये वाइडिश मिड विकेट बाउंड लाइन के पार और यह लंबा सिक्सर. ओमकार केनी आज रुकने का यहां पे नाम नहीं ले रहे, जो भी कर रहे हैं अपनी डील यहां पे छक्कों की सहायता से कर रहे हैं और 42 रनों के अपने निजी स्कोर पे यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं ओमकार केनी. अब यहां पे सभी के मन में उत्सुकता है, क्या ओमकार केनी आज इस भूमिपुत्र मैदान में उद्घाटन समारंभ के पहले ही दिन क्या आज अपना अर्धशतक अर्जित करने में यहां पे सफल हो पाएंगे? देखते हैं क्या कुछ करते हैं. लेकिन बहरहाल जितनी भी प्रशंसा इस खिलाड़ी की जाए उतनी कम है. युवा खिलाड़ी है, इनके पास जिंदगी में सीखने लायक बहुत कुछ है. इनके पिताश्री में अच्छी क्रिकेट खेली, जिस तरीके से विघ्नेश ने यहां पे बताया, और बिल्कुल अपने पिताश्री के नक्शे कदम पे कदम रख के उनका आज सुपुत्र बहुत ही उमदा क्रिकेट खेल रहा है. और ना केवल उनके पिताश्री को, दिवागांव को, बल्कि अखंड नवी मुंबई को इस खिलाड़ी के ऊपर गर्व महसूस हो रहा है.
येस, कारण की आपण जर पाहिलं तर भूषण पाटील या खेळाडूला अनेक वर्षापासून फॉलो करतोय आणि त्याच पद्धतीच्या भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे ओमी प्रकाश केणी। कुल स्कोर है 56 रन। इस वक्त फ्लिक कर दिया है गेंद को डीप मिड विकेट क्षेत्र में, क्षेत्ररक्षक है, एक रन दौड़ के अर्जित किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। और टेनिस क्रिकेट में एक अनोखा अंदाज होता है अपना स्ट्राइक रोटेट करने का, और देखिए यहां पे हड़बड़ा गए थे एम्पायर सावंत सर, इशारा कर रहे हैं यहां पे तीसरे एम्पायर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ हुआ है मैदान के बीच में। हालांकि एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की तरफ यहां पे इशारा किया है। देखिए जब आप कुछ अलग करने का प्रयास करते हो, थोड़े से हड़बड़ा गए अपने फॉलोअर थ्रू में सुमित सालवी, और यहां पे दो रन हालांकि दौड़कर अर्जित किए। देखते हैं एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की तरफ, डीआरएस की तरफ यहां पे इशारा किया है, और एम्पायर ने निर्णय दिया है कि खिलाड़ी नॉट आउट है, खेल जारी रखिए, वक्त जाया मच करिए। इस तरीके से दो रन जहां पे आउट होना चाहिए था विघ्नेश, वहां पे दो रन बने। यस, नक्कीच क्रिकेट मध्ये एक एक धावाला महत्व असतो, ही धाव नक्कीच रुद्र इलेवन माफी टीमसाठी लाभदायक ठरेल, कारण की आतापर्यंत पाहिलं तर ओमी केणी हा स्ट्राइक एंडवर येण्यासाठी ही धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तितक्याच जोरदार धाव देखील योगेश भुईरचं देखील कौतुक करतोय। योगेश भुईरने देखील अतिशय चांगलं क्रिकेट खेळलं आपल्या कोपरी गावासाठी, आणि आज जर पाहिलं तर नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटमध्ये जर कोपरी गावाचं प्रदर्शन पाहिला तर सातत्याने चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळतं, त्याचं श्रेय जातंय योगेश भुईरला, अतिशय टॅलेंटेड क्रिकेटर आहे आणि या मॅचमध्ये देखील आपला अनुभव या मॅचमध्ये दाखवत असताना। विघ्नेश, आपने कोपरी गाव हमारे नवी मुंबई का एक बहुत ही खूबसूरत गाव है उसकी बात अगर छेड़ी है, कुल स्कोर है 58 रन, जबकि विकेटों का पतन हुआ है 5 रुद्र 11 महापे का, अभी भी इस अंतिम ओवर की 4 गेंदे आनी शेष है। तो ये जो गांव है ये बहुत ही खूबसूरत गांव है, और आपको पता होगा कि जब ये नए नए क्रिकेट में आए थे सैंडी, और हम लोग जब क्रिकेट कमेंट्री करते थे तो कब किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये गांव इतने जल्दी काफी आगे निकल जाएगा क्रिकेट पे, कई सारी क्रिकेट की प्रतियोगिता इस गांव ने जीती है। और आपने बिल्कुल सही बात यहां पे छेड़ी है विघ्नेश की, योगेश भोईर का उनके गांव को क्रिकेट में आगे ले जाने का बहुत बड़ा काम इस योगेश भोईर ने किया है, एक सफल और अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी है ये योगेश भोईर। खेल की तरफ रुक करते हैं, खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है, कुछ पंकज अपने क्षेत्ररक्षण की तरफ रुक करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं पैवेलियन की तरफ, भूषण पाटिल उस तरफ जाके उनसे कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं, कुछ जो भी दर्शक tennisricket.in के माध्यम से YouTube के जरिए हमारे साथ NMPL में नवी मुंबई प्रीमियर लीग में जुड़े हुए उन सभी का मैं आदरणीय इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक श्रीमान संदीप जी गणेश जी नाइक सर, और हमारे नवी मुंबई जो NMPL की कमेटी है उनकी तरफ से, और तमाम क्रिकेट के श्रोता जो मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए मास्क जारी रख के सोशल डिस्टेंसिंग रख के, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, WHO ने आशंका जताई है कि काफी ज्यादा लोग आने वाले समय में संक्रमित होंगे, तो हमें अगर कोरोना को भगाना है तो मास्क परिधान करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए। इस NMPL के जरिए मैं आप सभी को यहां पे सतर्क करना चाहूंगा। खेल की तरफ रुक करते हैं, ओमी केणी जो कि अपने व्यक्तिगत 44 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखते ही आज यहां पे वो क्या अपना अर्धशतक अर्जित करने में सफल हो पाते या नहीं। अंपायर मैच थांबवा, हॅलो, प्लेइंग 11 लिस्ट मधील खेळाडू ग्राउंड मध्ये जाणार नाही, बॅटिंग करून तो गेला असेल तर जाऊ शकत नाही, आणि त्यामुळे 2 रनची पेनल्टी रुद्र 11 मापे टीमवर जाहीर करण्यात आलेली आहे। ज्या वेळेला ओव्हरऑल स्कोर त्यांचा होईल त्याच्यातून 2 रन डिडक्ट करून त्यानंतर एक रिवाइज टार्गेट सेट केलं जाईल। तो इस तरीके से आपका 12वा खिलाड़ी यहां पे बैठा हुआ है सर,
13वा 14वा आणि 15वा खेळाडू जाऊ शकतो. पहा 12th मॅन, त्याच्यानंतर 13 14 15 असे जे खेळाडू आहेत, हे जे राखीव खेळाडू आहेत ते कुठल्याही क्षणी जर आवश्यकता भासली तर ते जाऊ शकतात मैदानामध्ये. परंतु प्लेइंग 11 लिस्ट मधला खेळाडू बॅटिंग करून किंवा गोलंदाजी करून नंतर पुन्हा एकदा मैदानामध्ये जाणार नाही असे सक्त निर्देश आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून देण्यात येतात. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. तो ये जो यहाँ पे बताया है कृणाल ने, इसका पालन करिए. आप सभी से मेरी गुजारिश है, जो भी टीम यहाँ पे आज खेल रही है, और इस मरतबा इस गेंद को स्वीप कर दिया है और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, और ये लंबा सिक्सर, और इस तरीके से ओमकार प्रकाश केनी के बल्ले से आए यहाँ पे ये 50 रन. मेरी सबसे गुजारिश है स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए इस खिलाड़ी को. क्या जबरदस्त लाजवाब पारी ओमकार प्रकाश केनी ने खेली है, लाजवाब खेली. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो, ज्या खेळाडूने 365 दिवस या स्पर्धेची वाट बघितली, अनेक स्पर्धा गाजवली तरी देखील एनएमपीएल स्पर्धेसाठी तब्बल 4 तास सराव करणारा हा खेळाडू ओमई प्रकाश केणी एनएमपीएल पर्व क्रमांक 3 मधला पहिला खेळाडू ठरलाय ज्याच्या बॅट मधून आलंय अर्धशतक. लाजवाब खेळी, कॉंग्रॅच्युलेशन ओमई प्रकाश केणी, लाजवाब खेळी. जितनी भी प्रशंसा ओमई प्रकाश केणी की जाए उतनी कम है, जिसमें देखिए उन्होंने अपने 50 रनों में 5 सिक्सर और 3 चौके मारे हैं. इस ओवर की अगली गेंद, इस मरतबा परिवर्तन के दौर पे धीमी पेके हुई गेंद, फुल टॉस बनाते हुए इस गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से. फिर एक मरतबा यह लंबा सिक्सर निकलता हुआ ओमी प्रकाश केनी के बल्ले से, बिल्कुल कहर ढा रहे हैं मैदान के बीच में. ओमी प्रकाश केनी यहाँ पे सिरदर्द साबित हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो कुक्षित एवेंजर्स के सामने बिल्कुल एक पहाड़ की तरह खड़े हैं मैदान के बीच में. ना केवल खड़े हैं बल्कि अपने बल्ले से यहाँ पे आग उगल रहे रनों की, इसमें कोई गुंजाइश नहीं. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 70 रन, जबकि 5 विकेटों का पतन हुआ है रुद्र 11 महापे का. प्रदीप सर, जर मैदानात पाहिलं तर दमट वातावरण आहे, सूर्य नाही तरी देखील वातावरण तापलंय, त्याचं कारण आहे ओमी प्रकाश केणीची बॅटिंग अफलातून फॉर्म मध्ये आहे आणि या पहिल्या एडिशन खेळत असताना लाजवाब खेळ करतोय. या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक आपल्या नावी करतोय ओमी प्रकाश केणी. 56 धावांची विस्फोटक फलंदाजी, मैदानाच्या आतमध्ये आग ओकणारी फलंदाजी आणि अतिशय प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी फलंदाजी. हेलो चेक, हेलो. तो इस तरीके से हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था यहाँ पे ओमी केनी ने और ये गेंद बिंदी निकल गई. अभी एक गेंद रन आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज, इस तरीके से विकेट का पतन हुआ है. योगेश भोईर जिन्होंने अपने विकेट यहाँ पे निछौर कर दी ओमी केनी के लिए. हालांकि ओमी केनी पूरी तरह से फॉर्म में, जिस तरह से विघ्नेश ने बात छेड़ी, सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौनी का खेल चल रहा है, लेकिन नवी मुंबई का सूरज यहां पे ओमी केनी के रूप में यहां पे तप रहा है. और ये देखिए इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और विशाल शाह ने कैच लपक लिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. और इस तरीके से ओमी केनी आउट होकर वापिस जा रहे, अंतिम गेंद पे उन्होंने अपना विकेट यहाँ पे दिया है. देखिए सभी खिलाड़ी उनकी पीठ यहाँ पे थपथपा रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं. क्या जबरदस्त लाजवाब पारी ओमी केनी ने खेली, जिसमें उन्होंने सिक्सर जड़े हैं 5 और चौके जड़े हैं उन्होंने 4. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन और लाजवाब पारी यहाँ पे ओमी केनी ने खेली है विघ्नेश. यस मित्रांनो, ओमी प्रकाश केणीची बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, अफलातून बॅटिंग परफॉर्मन्स. एनएमपीएल पर्व क्रमांक 3 मध्ये मात्र पहिलं अर्धशतक आपल्या नावी करतोय ओमी प्रकाश केणी. वेल प्लेड ओमी. 19 गेंदों में 56 रनों की एक धुआंधार मैराथन स्फोटक पारी ओमी केनी ने खेली है और अपनी योग्यता इस एनएमपीएल 17-3 में साबित की है. आने वाले सीजन में ये खिलाड़ी बिल्कुल कहर डालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है. बहुत ही लाजवाब खेल का प्रदर्शन ओमी केनी ने यहां पे किया है. तो कृणाल दाते जा रहे हैं मैदान के बीच में, दोनों संघनायक और
मैच रेफरी के साथ मैदान के बीच में टॉस किया जाएगा। भूषण भूषण पाटील ओवरऑल टार्गेट मधून दोन रन माइनस करून रिवाइज टार्गेट इथे सेट सांगा। 69 रन जीतने के लिए चाहिए, 69 टू विन, 69। हेलो, यहाँ पे दूसरे सत्र की जैसे ही शुरुआत होगी लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहाँ पे उतरेगी टीम, वैसे ही नवी मुंबई की एक बहुत ही खूबसूरत और स्वप्निल नाइक जिस तरीके से आज सुबह यहाँ पे बात छेड़ी थी कृणाल दाते ने, आदरणीय गणेश जी नाइक सर आए थे तब आपने काफी मेहनत मशक्कत की है और किसी ने फ्रंट लाइन में जाके काम करना पड़ता है। सैंडी ओवर टू कृणाल। आमच्या बरोबर मैच रेफरी शशी साटम सर इथे उपस्थित आहेत, त्यानंतर त्यांच्या हातामध्ये कॉइन आहे आणि आता इथे कॅप्टन सांगतील कुठल्या हातामध्ये हा कॉइन आहे। तर अभय, आता तुम्हाला एकतर नाणं स्पिन करायचं आहे किंवा तुम्ही बोलू शकता हेड ऑर टेल, तुम्हाला काय करायचंय? तर स्पिन करेल कॉइन गणेश कारंडे, एनएमपीएल हा कॉल करण्यात आलाय आणि संदीप नाईक म्हणजेच आपले माझे आमदार श्रीमान संदीप गणेश नाईक हेड आलेला आहे। टॉस इथे झालाय, टॉस जिंकलाय कॅप्टन गणेश कारंडेने, टॉस जिंकला, निर्णय काय असेल ट्रायडन लॉजिस्टिक कडून तुमचा? आम्ही फिल्डिंग करू। पाच षटकांची लढत आहे, एनएमपीएलचा हा तिसरा पर्व आपण पाहतोय, खऱ्या अर्थाने कसं वाटतं या पर्वामध्ये खेळत असताना, तुम्हाला ओव्हरऑल ॲटमॉस्फिअर क्लायमेट पाहत असताना या क्रीडांगणावर? ॲक्च्युली दोन एनएमपीएल पण आम्ही खेळलो आणि ही थर्ड एनएमपीएल आहे आणि त्यापेक्षाही खूप चांगला अरेंजमेंट केलेला आहे। उत्कंठा होती का ही एनएमपीएल तिसरी भरपूर वर्षानंतर गॅपनंतर आली आहे? कोरोना असल्यामुळे वाटत नव्हतं की, पण खूप चांगला एफर्ट ठेवले कमिटीने आणि खूप छान अरेंजमेंट केले। चला शुभेच्छा आहेत क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय। अभय वाघमारे आमच्या बरोबरीने आहेत, आपण एका चळवळीला पाठिंबा देतोय आणि या मॅचमध्ये देखील ती चळवळ आपण इथे राबवणार आहोत, तिला पाठिंबा देणार आहोत। खऱ्या अर्थाने वर्णभेद, अनेक टीकाटिपणी होतात क्रिकेटमध्ये देखील, या गोष्टी घडतात आणि आयसीसीने देखील त्याचप्रमाणे वर्ल्ड कपमध्ये ही चळवळ राबवली। या मोहिमेला प्रत्येक संघातील कॅप्टनने खेळाडूने पाठिंबा दिला आणि या स्पर्धेमध्ये देखील आपण ती मोहीम राबवतोय। तुम्हाला या मोहिमेबद्दल, राबवलेल्या या कार्यक्रमाबद्दल काय म्हणायचंय? एनएमपीएल 2022 म्हणजे सगळ्यांनी 2015 आणि 2016 नंतर गेली 5 वर्ष सगळ्यांनी वाट बघितलेली आहे आणि एक सुंदर तिसरं पर्व जर आज आपण बघितलं, मला तर वाटतं की MCAच्या ऑफिशियल्सला बोलवलं पाहिजे होतं की त्यांनी हे सगळं हे क्रीडांगण बघितलं पाहिजे होतं, त्यांना पण कळलं असतं की नवी मुंबईमधून टेनिस बॉल क्रिकेटच्या माध्यमातून नवी मुंबई प्रीमियर लीग ही किती सुरेखरित्या सर्व आयोजकांनी आणि आपले आदरणीय श्री संदीपजी नाईक यांच्या पुढाकाराने ह्यांनी हे साकारलेलं आहे। वर्णभेदाबद्दल जर बोलायचं झालं तर आपण सर्वप्रथम माणूस म्हणून या पृथ्वीवर जन्माला आलो आहे हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे, त्याच्यामुळे जात पात धर्म ह्या सगळ्या पलीकडे माणुसकी हा धर्म असतो। आणि वर्णभेदाबद्दल जर म्हणायचं झालं तर अमेरिकेमध्ये एका शोमध्ये विचारलं गेलेलं होतं की या पृथ्वीतलावर काळ्या रंगाचं सगळ्यात सुंदर असं काय आहे, तर त्या एका व्यक्तीने उत्तर दिलं होतं की माणूस। तर वर्णभेदाबद्दल माझी ही प्रतिक्रिया आहे तुमची आणि मी नवी मुंबई प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आलेल्या सर्व खेळाडूंचं, संघांचं आणि आयोजकांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो की एवढा चांगला प्लॅटफॉर्म तुम्ही तयार करून दिला नवतरुणांना, याच्या माध्यमातून चांगल्यातल्या चांगलं खेळ आणि त्याचं प्रदर्शन करण्याची मुभा दिली, याबद्दल थँक्यू।
त्याचबरोबर अभय फ्युचर फर्स्ट अकॅडमीच्या माध्यमातून यावर्षी नवी मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये जो खेळाडू मालिकावीर ठरणार आहे त्याच्यासाठी तुमच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण अनाउन्समेंट तुम्ही मला काल सांगितली होती, त्याबद्दल मला थोडंसं जाणून घ्यायचं आणि आमच्या प्रेक्षकांना जाणून घ्यायचं आहे. नक्कीच, फ्युचर फर्स्ट अकॅडमी फिटनेस फॉर जनरेशन ही जी माझी संस्था आहे ह्याच्या माध्यमातून नवी मुंबई प्रीमियर लीगचा जो कोण सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ठरेल त्याला आमच्यातर्फे एक वर्ष पूर्ण मोफत ट्रेनिंग दिली जाईल, त्याला सर्वत्र फिटनेसचे धडे दिले जाईल आणि ह्याचा फक्त एकच मेन उद्देश आहे की आम्ही फिटनेसचा प्रचार आणि प्रसार करू जेणेकरून आजच्या तारखेमध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये आपण जे सर्व शारीरिकदृष्ट्या मानसिकदृष्ट्या खचलो आहे त्याला आपल्या पुन्हा एक पुनर्जीवित करण्यासाठी आपण फ्युचर फर्स्ट अकॅडमी एक पाऊल पुढे आम्ही ठेवतो. चला, शुभेच्छा आहेत. हा होता आमच्याबरोबर अभय वाघमारे. टॉस मात्र झाला आहे ट्रायडंट लॉजिस्टिक नवी मुंबई या टीमच्या कॅप्टननी, ते टॉस जिंकलाय. या क्रीडांगणावर अगदी थोड्याच वेळामध्ये त्यांचा सामना रंगताना दिसेल. आता जो सामना रंगतोय त्याचं धावतं समालोचन ऐकण्यासाठी लगेचच आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तिथे सज्ज आहेत प्रदीपजी विचारे, विघ्नेश मडवी आणि त्याचबरोबर संतोष म्हात्रे. सँडी सर, इट्स ओव्हर टू यू. थँक्यू. तो बहुत बहुत शुक्रिया कृणाल दाते. तो इस तरीके से 69 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पे जीतने के लिए और आदरणीय मास्टर प्रदीप जी पाटिल जी का मंच के ऊपर आगमन हो रहा है, मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. तो सैंडी एक गोरा चिट्टा छेल छबीला बाका छोड़ा जो कि लल्लन टॉप है आजकल नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत में, जिनका नाम है विघ्नेश मडवी, हमारे घनसोली गांव के भूमि पुत्र है और आजकल काफी सुर्खियों में अपनी अच्छी आवाज, अच्छी कॉमेंट्री, अच्छी एंकरिंग की वजह से, तो उनकी तरफ रुख करते हैं. आइए विघ्नेश मडवी. थँक यू व्हेरी मच रेडी हू जॉकी प्रदीपजी विचारे यांचा आवाज आपण ऐकला होत. आपण जाऊया दुसऱ्या इनिंगला. सुरुवात केली जाते, टार्गेट असेल 69 धावांचं आणि सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. स्ट्राइक एंडवर पाहायला मिळतोय विशाल शहा आणि नॉन स्ट्राइक एंडवर कॅप्टन पंकज पाटील. पहिले षटक हाताळण्यासाठी अर्धव तांडेल मॅन फ्रॉम करावे. पहिला बॉल या इनिंगचा, पहिल्याच बॉलवर टॉप एच, पहिल्याच बॉलवर संधी आणि या संधीचं सोनं करेल की काय. कॅचेस विन द मॅचेस, पकडो कॅच जीतो मॅच, छोडो कॅच हारो मॅच, ही परिभाषा आहे. यावेळेस मात्र आपण पाहू शकाल इथे झेल सुटलाय योगेश भुईर सारख्या एक मात्तबर खेळाडू करून. ही चूक मात्र येणारे चेंडूच जाऊन सांगतील की ही चूक किती महागात पडेल. पहिल्याच बॉलवर विकेट ची इथे मात्र आशा होती, त्याला निराशामध्ये परिवर्तन केलंय आणि एक धाव मिळेल. हरदेव तांडेल आपण पाहू शकाल, पंकज पाटील जर पाहिलं तर नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचा एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, टीमचा कॅप्टन आहे, मोठी आशा आहे. आणि ज्या पद्धतीने टॉस झाला मगाशीच आणि ज्यावेळेस पंकज पाटील मैदानात होता, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टॉस करतोय असंच आपल्याला वाटलं होते की चांगली पर्सनॅलिटी. आणि नॉन स्ट्राइक एंडवर सँडी सरांनी उल्लेख केला की एखादा न्यूझीलंडचा प्लेयर ज्या पद्धतीने दिसतो त्या पद्धतीने विशाल शहा खेळाडू देखील आहे. तर दुसरा बॉल पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर, हाफ ट्रॅकर चांगला फटका आहे ऑन साईडला, चेंडू पुन्हा एकदा हवेत आणि उमेश म्हात्रे प्रयत्न करेल, तोपर्यंत दोन धावा मिळतील. 69 धावांचं टार्गेट आहे विशाल शहा. प्रदीप सर, विशाल शहा जर विचार केला तर मागच्या 2-3 वर्षात धुमाकूळ घातलाय टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये. ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, ज्या संपूर्ण ठाणे डिस्ट्रिक्टचे खेळाडू एकत्र करून खेळणारी प्रीमियर लीग, त्या प्रीमियर लीगमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक त्याने आपल्या नावी केली आहे. इतका गुणवान खेळाडू. हा ट्रॅकर पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे, चेंडू हवेत आहे आणि यावेळेस राज घोटणकर कुठलीही चूक न करता कॅप्टन पंकज पाटील बॅक टू पॅव्हिलियन. पहिला हादरा, पहिल्या विकेटचं पतन, पंकज back to pavilion. उतांडेल man from karavi reliance ज्या रिलायन्स कंपनीमध्ये जे स्टेडियम आहे ते स्टेडियममध्ये हरदेव तांडेल हा लेदर बॉल सराव करताना अनेक वेळा पाहायला मिळतोय. अग्निशामक दलामध्ये कार्यरत असणारा हा खेळाडू, हार्दिक पांडे असेल, युवराज सिंग असेल, असे अनेक खेळाडूंना ऍज अ गोलंदाज म्हणून, सराव गोलंदाज म्हणून गोलंदाजी करतो आणि यावेळेस टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील आपली छाप सोडतोय. पहिल्याच षटकामध्ये पंकज पाटीलला परतवलाय
आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल. डेंजरस मॅन हॅज इंटर द ग्राउंड, मिस्टर रुतांशु रामचंद्र पाटील, व्हेरी बिग मॅन. या बिग मॅनचा बिग शो पाहायला मिळेल का हे देखील पाहण्यासारखे असणार आहे. 70 धावांचं टार्गेट आहे. पहिल्या षटकात फलंदाज बाद होतोय. चेंज ऑफ पेस, पुन्हा एकदा स्टॉप एज संधी आहे आणि इथे संधीचं सोनं करतोय, कौतुक करेन सिद्धेश म्हात्रेचं आणि फलंदाज बिग मॅनचा खेळ इथे खतम. दुसऱ्या हादरात दुसऱ्या विकेटचं पतन. प्रदीप सरमच्या सोबत जोडले गेले दोन गडी बाद पंकज पाटील, नंतर रुतांशु पाटील. बॅक टू पॅव्हिलियन. हरदेव बड़ी अच्छी गति में परिवर्तन करते हुए इस पहले ओवर में यहाँ पे नजर आ रहे और दो सफलता उन्होंने प्राप्त की है. जिस तरीके से विघ्नेश आपने बात छेड़ी कि रिलायंस के नेट में ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी है, हार्दिक पांड्या वगैरह जो खिलाड़ी है, बड़े बड़े क्रिकेट के सितारे, अब उनको अगर आप गेंदबाजी करते हो तो आपको सीखने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है और यही सीख यहाँ पे हरदेव तांडेल ने सीखी है और उसी के अनुरूप वे यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. उनकी गेंदबाजी में धार यहाँ पे नजर आ रही है और वो धार यहाँ पे चीरती हुई नजर आ रही है बल्लेबाजी क्रम को. यस, नक्की वेरिएशन. कुठलाही गोलंदाज यशस्वी होतो तुमच्याकडे व्हेरिएशन असणं गरजेचं आहे. कमी गतीचा गोलंदाज आहे तरी देखील चेंडूवर असलेलं नियंत्रण हे पाहायला मिळतोय आणि इम्प्रेस करतोय. पहिल्याच षटकामध्ये जखडून ठेवलाय. मी तर म्हणेन हरदेव तांडेल लाजबाब गोलंदाजी. गोलंदाजी ट्रॅकवर पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. हा ट्रॅकर पुल केला जातोय, पुल सक्सेसफुल होतोय. चेंडू जातोय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. आपण पाहू शकाल विनोद पाटीलच्या बॅट मधून येतोय मॅक्सिमम चेंडू सीमारेच्या बार. षटकार. संपलाय आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 9 आकड्यावर. या मंचावर जर पाहिलं तर नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटला शिस्त लावण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर 40+ म्हणजेच स्वास्थ्य शरीर आयुष्य महान. आणि प्रत्येकाचं आयुष्य महान करण्यासाठी प्रदीप पाटील यांनी देखील खूप मेहनत घेतली आहे. यावेळेस चेंज ऑफ पेस त्याला हेरलं आणि फेकून दिलंय काव कॉर्नरच्या डोक्यावरून. बॅक टू बॅक दोन बॉलवर दोन मॅक्सिमम. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. नाट्यमय षटक म्हणावं लागेल. दोन विकेट आणि दोन षटकार अखेरच्या दोन बॉलवर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या दोन गडी बाद 15 धावा. तर जाऊया मुख्य डायसवर. आमच्यासोबत कुणालजी दाते असेल आणि शुभ सन्मान देखील केला जाईल. सुधीर पाटील अग्रोलीवरून इथे उपस्थित आहेत. मी दीपक पाटील यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करावा. सुधीर पाटील अग्रोलीवरून इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. यानंतर स्वरूप पाटील यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होईल. स्वरूप पाटील यांना सन्मानित केलं जातं आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. हे देखील अग्रोलीचे आहेत. यानंतर अभिजित केशव म्हात्रे यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल. मी विनंती करतो दीपक बाळाराम पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण अभिजित दादा यांचा सन्मान करावा. या सर्वांचं सहकार्य आम्हाला लाभले. स्पॉट वाईज कोपर खेळणे या संपूर्ण टीमचे आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून भरपूर मदत आणि मेहनत त्यांनी घेतली आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. उर्वरित सन्मान आपण या ओव्हरच्या नंतर घेणार आहोत. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. धन्यवाद. येस, पहिलाच बॉल स्क्वेअर कट, सुरेख फटका नाहीतर दीर्घ फटका म्हणावं लागेल. चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये. अक्षरशः मैदानाला चुंबन घेऊन चेंडू सीमारेषा पार चौकार. उमेश म्हात्रे वर्सेस विशाल शहा. मायनस गोष्टी माहिती असतात प्रदीप सर आणि ती बॅटल पाहणं प्रेक्षकांना नक्कीच आवडतं. बिलकुल, ये बॅटल बहुत ही उमदा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है. विशाल शाह अपने चरम फॉर्म में है और बड़ा ही लाजवाब क्रिकेट अपने जीवन में खेल रहे. जब आप बड़ी बड़ी टीमों की तरफ से ओपन में क्रिकेट खेलते हो तो निश्चित रूप से आप में योग्यता है.
सन्मान दाखवला गेलाय. चांगलं क्रिकेट, कॅल्क्युलेटेड क्रिकेट म्हणावं लागेल विशालच्या ह्यासाठी ओळखला जातोय. प्रत्येक बॉल हा षटकार चौकार मारण्यासाठी नसतो, क्रिकेटचा सन्मान म्हणजेच आपण पाहू शकाल जर चांगला चेंडू असेल त्याला सन्मान देखील देणं गरजेचं आहे. 40 प्लस के जनक आदरणीय प्रदीप जी पाटिल जी और उनके साथी यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का फिर एक मरतबा हार्दिक स्वागत. लेकिन ये जो 40 प्लस है हमारे नवी मुंबई का, इन्होंने कोविड में कई सारी सेवा लोगों को की है, इसलिए जितनी भी तारीफ आदरणीय प्रदीप जी पाटिल जी और हमारे नवी मुंबई के 40 प्लस के टीम की जाए उतनी कम है. यस, तब्बल 5 लाखापेक्षा जास्त धनादेश त्यांनी आतापर्यंत कोविड मध्ये मुख्यमंत्री निधीमध्ये दिले गेले आहे. आणि खऱ्या अर्थानं नवी मुंबई क्रिकेटला शिस्त लावण्याचं काम केलं गेलं आहे. जर पाहिलं तर 8 वाजता सामने सुरू होतात आणि 40 नंतर काय असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येतो, त्यानंतर मात्र त्या प्रश्नाचं उत्तर प्रदीपजी पाटील यांनी दिलं. आणि खऱ्या अर्थानं ही संकल्पना गेली 16 वर्ष राबवली गेली, ठेवलंय एक 40 प्लस एक कुटुंब आज नवी मुंबई मध्ये आहे, त्याचं श्रेय जाते प्रदीपजी पाटील यांना, त्यांचं देखील मी कौतुक करतोय. विशाल शहा यावेळी चांगला फटका आहे ऑन साइडला, कोणीही प्रोटेक्शन नाहीये, क्षेत्रक्षक तिथे पोहोचेल तोपर्यंत सिंगलवर समाधान मानावं लागेल. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 22 आकड्यावर, 22 धावा. 2 धावांची पेनल्टी म्हणजे 70 धावांचं टार्गेट होतं, 71 धावांचं टार्गेट होतं, पण ते 2 धावांची पेनल्टी मुळे 69 धावांचं टार्गेट ठेवलं गेलंय. त्याचा पाठला करत असताना चांगली बॅटिंग आतापर्यंत होतंय. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना यावेळी चांगला फटका आहे, फटका फसला आणि इथे क्षेत्ररक्षक स्वराज प्रल्हाद म्हात्रे याने अप्रतिम झेल पकडला गेलाय. विनोद पाटीलचा खेळीचा अंत होतोय. फलंदाज क्रमांक 3 बॅक टू पॅव्हिलियन. हॅलो, आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक स्वराज प्रल्हाद म्हात्रे, लाजबाब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, कौतुक करेन. आतापर्यंत जर पाहिल्या तर 2 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 24 आकड्यावर. 24 लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 गडीबाद, 24 धावा, 69 धावांचं टार्गेट आहे. यानंतर आपण सन्मानित करणार आहोत दिलीप मडवी यांना, सदस्य आहेत 40 प्लस संघटनेचे, त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जातोय. दिलीप मडवी साहेबांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे होतोय, सुस्वागतम दिलीपजी मडवी साहेब यांचा सन्मान इथे केला जातोय. यानंतर सन्मानित केलं जाईल बळीराम पाटील यांना, तळवलीवरून इथे उपस्थित झालेले आहेत बळीरामजी पाटील, त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जातोय. बळीराम पाटील यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय. तर मी विनंती करतो दीपक बाळाराम पाटील यांना आपल्या शुभस्ते आपण बळीराम पाटील यांचा सन्मान करावा. यानंतर आपण मनोज म्हात्रे सर यांना सन्मानित करणार आहोत. बेलापूरमध्ये एक सुसज्ज क्रीडांगण पाहायला मिळतं, खऱ्या अर्थाने त्याची उत्पत्ती निर्मिती यामध्ये सर्वाधिक चांगलं योगदान, महत्त्वाचं योगदान मनोज म्हात्रे सरांचं आहे. एक सुंदर असं ग्राउंड त्यांनी बनवलेलं आहे. मनोज म्हात्रे सरांचा सन्मान तिथे होतोय. लेदरच्या भरपूर मॅचेस तिथे होतात, 40 प्लसचे अनेक सामने तिथे खेळवले जातात, तर त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय.
जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये एक ओवर नंतर आणखीन काही विशेष सन्मान आपण करणार आहोत. या सीसीडी षटक हाताळण्यासाठी हितेश कोटकर गोलंदाजी ट्रॅकवर येतोय. पहिला स्लॉग स्वीप केलाय, चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक स्वराज प्रल्हाद म्हात्रे इन ऍक्शन मध्ये लाजबाब झेल पकडलाय आणि या वेळेस मात्र विकेट आहे ती म्हणजेच विशाल शहाची. हा जल्लोष सांगून जातोय विकेट किती महत्वाची आहे. विशाल शाह तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. फलंदाज क्रमांक 4 बॅक टू पॅव्हिलियन. प्रदीप सर कृणाल तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है. यहाँ पे पहले गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की थी और विशाल शाह देखिए कितनी बड़ी सफलता यहाँ पे प्राप्त किया. आउट होकर वापस जा रही है और चरमरा गई है यहाँ पे पारी. अब अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम कुक्षत एवेंजर्स की. देखते हैं सुमित सालवी नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में. सैंडी विघ्नेश कृणाल जब मुझे पता चला कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है और जब आदरणीय पृथ्वी जी पाटिल सर को पता चला कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है मेरा मेरी सर्जरी होने वाली है उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा ये नवी मुंबई को और तमाम श्रोताओं को पता चलना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग है. प्रदीप पाटिल सर ने मेरे को कॉल किया और उन्होंने बताया कि प्रदीप डरना नहीं हम सब तेरे साथ है. और जब मेरी सर्जरी हुई तब आदरणीय पृथ्वी जी पाटिल सर कई बार मुझे देखने के लिए अस्पताल में और मेरे घर में आए और जब जब भी वे आए तब तब उन्होंने मेरे को कहा कि कुछ अगर तेरे को चाहिए तो हमको बोलना मैं हूं तेरे पीछे कुछ फिक्र मत करना हमारा 40 प्लस और अखंड नवी मुंबई तेरे पीछे. बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रदीप जी पाटिल सर आपको जितनी भी आपकी सराहना और आपके टीम की जाए उतनी कम. यस लाजबाब स्ट्रोक फलंदाज आपण पाहू शकाल. आकाश सिंगच्या बॅट मधून येतो एक मॅक्सिमम चेंडू सी मारेशा पर षटकार. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 30 आकडेवर 30. 69 धावांचे टार्गेट आहे. अजूनही जर पाहिले तर 39 धावांची आवश्यकता आहे आणि बॉल असेल 16 बॉल 39 धावा असं समीकरण आहे. NMPL सन्माननीय संदीपजी गणेशजी नाईक प्रेझेंट्स NMPL 2022 एडिशन 3 दमदार सुरुवात या स्पर्धेची देखील झालीय. काय क्रिकेट पाहायला मिळतंय आणि तमाम प्रेक्षकांच्या नजरा या संपूर्ण स्पर्धेकडे लागली आहे. हितेश कोटकर चेंज ऑफ पेस इथे फुलर लेनचा आणखीन एक चांगला झेल. यावेळेस ओमी प्रकाश केणी पाहायला मिळतोय बॅटिंग मध्ये 100% आणि यावेळेस क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील 100% एफर्ट देत असताना फलंदाज आकाश सिंग तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. अजून एक मोठा हादरा टीम कुक्षत एव्हेंजर लागतोय. विघ्नेश आज का दिन लग रहा है यहाँ पे ओमी प्रकाश केनी का है. पहले उन्होंने जब बल्ला हाथ में पकड़ा तब कहर डा दिया मैदान के बीच में. 56 रनों की एक जबरदस्त आतिशी पारी उन्होंने खेली और उसके बाद जो यहाँ पे वो क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं शॉर्ट मिड विकेट पे 30 गज के दायरे के अंदर की जानब वहां पे बहुत ही लाजवाब कैच उन्होंने लपक लिया. तो देखिए आज पूरी तरह से छाए हुए है और एक खिलाड़ी होता है उसका गुड लक चलता है और मेरे ख्याल से आज जो लक है यहाँ पे ओमी प्रकाश केनी का उनका यहाँ पे साथ दे रहा है. कहा जाता है कि किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है और किस्मत ओमी का साथ यहाँ पे दे रही है. विघ्नेश यस नक्कीच त्यासाठी अनेक तास सराव करणं देखील महत्वाचं आहे. बॅटिंग नाही तर क्षेत्ररक्षण मध्ये देखील आपलं प्रदर्शन चांगलं हो यासाठी सराव देखील तितकाच महत्वाचा आहे. यावेळी सराव दिसतोय आपल्याला ओमी प्रकाश केणीच्या माध्यमातून आणि आपण पाहू शकाल फलंदाज क्रमांक बाद होतोय 5 गडीबाद टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये तब्बल 30 आकड्यावर. अजूनही 39 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज प्रमोद पाटील सानपाडा एक्सप्रेस या नावाने सुप्रसिद्ध आहे. यावेळी चांगला फटका आहे चेंडू जातोय ऑन साइडला. स्वराज म्हात्रे इम्प्रेसिव्ह खेळाडू आहे. गोठिवली गावचा येणारा रायझिंग स्टार आणि सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर फलंदाजी गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षक या तिन्ही फॉरवर्ड मध्ये अव्वल दर्जेचं प्रदर्शन पाहायला मिळतोय. एक तुफानी पारी जब ओमकार ने यहाँ पे खेली उसके बाद देखिए क्या ऊर्जा प्राप्त हुए उनके खिलाड़ियों के दरमियान. देखिए हर खिलाड़ी अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है और यही खूबसूरती होती है एक क्रिकेट खिलाड़ी की. वो अपने टीम में एक नई ऊर्जा प्रस्थापित करता है और ये ओमकार ने यहाँ पे की है. यस कुठलीही संघ मजबूत बनण्यासाठी त्यासाठी एक खेळाडू महत्वाचा नाही त्यासाठी सांघिक खेळ करणं महत्वाचं आहे हेच दाखवतोय रुद्र 11 माफे. यावेळेस बॅकफूट लाईन पंच करतोय. कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चांगली गोलंदाजी मी कौतुक करेन हितेश कोटकरचं. ऐरोली गावाकडून बिलॉंग करतोय आणि अतिशय
वेगवान गोलंदाज आहे। या षटकाचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते। 5 चेंडूत फक्त धावा खर्च केलेत 8 आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 32 32 धावा। दोन धावांची पेनल्टी लागून सुद्धा टीम चांगले प्रदर्शन करतोय। यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये प्रमोद पाटील, यस बॅटची एज लागली आहे, कॉट बिहाइंड, फलंदाज बाद होतोय। प्रमोद पाटीलच्या खेळीचा देखील अंत होतोय। 3 षटकांचा खेळ इथे संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 32 या आकड्यावर। अजूनही धावांची आवश्यकता असेल ती म्हणजे तब्बल 37 धावांची आवश्यकता। 12 बॉल 37 धावा। प्रदीप सरांकडे येतोय, तोपर्यंत प्रदीप सर काय म्हणाले या मॅचच्या सिच्युएशन बद्दल? ये जो मैदान है भूमिपुत्र मैदान, ये काफी विशाल मैदान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई एक खिलाड़ी खड़ा रहता है और 4-5 अगर बड़े बड़े यहाँ पे स्ट्रोक लगे बल्ले से, तो निश्चित रूप से ये जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है ये वापस इस प्रतियोगिता में आ सकती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेना पड़ेगा और यहाँ पे रन अर्जित करने होंगे। यहाँ पे जो किला बनाया हुआ है ये किला यहाँ पे तोड़ना होगा। स्कोर चाहिए जीतने के लिए 37 रन, जबकि गेंदे बची है 12, 12 गेंदे 37 रन। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, एक धमाकेदार पारी यहां पे बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है उसे वापस इस प्रतियोगिता में ला सकती है विघ्नेश। यस, एकीकडे सन्माननीय नगरसेवक सूरज पाटील यांचा संघ आहे कुक्षेत एव्हेंजर, तर दुसरीकडे संदीप डाउरकर रुद्र 11 महाफे टीमचे ओनर्स आहेत। या ओनरचं देखील तितकंच लक्ष असेल। टीम स्क्वाड बनवत असताना, टीम मीटिंग घेत असताना त्यासाठी बॉन्डिंग करणं गरजेचं आहे, त्यासाठी टीम ओनरची देखील तितकीच महत्त्वाची भूमिका पाहायला मिळते। आणि संपूर्ण टीम ओनरचं देखील लक्ष असेल या मॅचकडे। 12 बॉल 37 धावांची आवश्यकता। स्ट्राईक एंडवर सुमित साळवी, एक्सपिरियन्स मॅन फ्रॉम दिवा। पहिलाच बॉल इथे गुडलेन स्पॉटवर पडल्यानंतर काहीसा खाली राहतोय। आपण पाहू शकाल स्वराज म्हात्रे या खेळाडूने इम्प्रेस केले या मॅचमध्ये। बॅटिंगमध्ये शून्यवर परतला पण क्षेत्रक्षणामध्ये अव्वल दर्जाचं क्रिकेट खेळला आणि मी कौतुक करतोय गोठिली गावाचा हा येणारा रायझिंग स्टार राकेश प्रतिष्ठान गोठिवली टीमकडून अनेक वर्ष क्रिकेट खेळतोय आणि इम्प्रेसिव्ह कामगिरी सध्याच्या घडीला हा खेळाडू करतोय। चांगला फटका आहे, चेंडू जातोय लॉंग ऑफ रिजन मध्ये, क्षेत्ररक्षक हितेश कोटकर येईल तोपर्यंत मिळेल सिंगल। सिंगलने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 33 आकड्यावर, 33 ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 5 गडी बाद 33 धावा। NMPL सीझन 3 ज्याची 5 वर्ष प्रतीक्षा केली आहे तमाम प्रेक्षकांनी, नवी मुंबईच्या प्रत्येक खेळाडूने, ती NMPL स्पर्धा आणि पहिला दिवस थाटामाटात आपल्याला पाहायला मिळते। लोकनेते आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय संदीपजी गणेशजी नाईक साहेब यांचे शुभ हस्ते या स्पर्धेचा शुभारंभ देखील पाहायला मिळाला, ज्यांनी नवी मुंबई खऱ्या अर्थानं साकारली त्या मान्यवरांचे शुभ हस्ते खेळपट्टीचं पूजन पाहायला मिळतं। चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळेल, सटीक लाईन अँड लेंथ इम्प्रेस केलंय मी तर म्हणेन। पहिल्याच षटकामध्ये चूक झाली होती योगेश भोईरकडून, झेल सुटला होता विशाल शहाचं, असं वाटलं होतं की टीम अडचणीत जाईल, पण त्यानंतर केलेलं कमबॅक तरी देखील कौतुक करेन। क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा वाढवला गेलाय या मॅचमध्ये। स्वराज म्हात्रे पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर, रोशन पाटील यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे, चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन मध्ये। इथे काहीसा आळस दाखवलाय, कॅज्युअल क्रिकेट खेळे आणि क्रिकेटमध्ये आळसाळा कुठलाही थारा नाही। आजचा दिवस तुम्ही आळसाला दिलास तर उद्याचा दिवस आळसाने तुमच्यापासून चोरला म्हणून समजा, म्हणून प्रत्येक क्षणाला तुम्हाला चाणाक्ष राहणं गरजेचं आहे। टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 35 आकड्यावर, 35 धावा। 69 धावांचं टार्गेट आहे, अजूनही जवळजवळ 34 धावांची आवश्यकता। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे, ते कव्हर रिजन मध्ये, क्षेत्ररक्षक नाही, दूरवरून क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत बघता बघता चेंडू जाऊन पोहोचतोय सीमारेषा पार। आपण पाहू शकाल फलंदाज रोशनच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत चौकार, 4 धावा। हॅलो, सबसे अलग है सबसे जुदा NMPL का अपना मजा।
तर अखेरचा बॉल अजूनही शिल्लक आहे. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 39 आकड्यावर. 7 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता आहे. प्रदीप सर जर पाहिलं तर एक मॅच एकाच परड जड झाले असं मी म्हणेन. सध्याच्या स्थितीत क्रिकेट मध्ये अजूनही बरच काही होऊ शकतं. यावेळेस फटका येतोय आणि रोशन पाटीलच्या बॅट मधून येते या मॅच मध्ये जिवंत ठेवणारा षटकार. चेंडू सीमा रेषा पार, 6 धावा. 4 षटकांचा खेळ इथे संपला आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 45 आकड्यावर. आता मात्र मॅच मध्ये असेल ती म्हणजे 6 चेंडू आणि तब्बल 24 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू 24 धावा. करणार आहोत. राजेश मोरावकर इथे उपस्थित झालेले आहेत, या आपण त्यांना सन्मानित करूया. राजेश मोरावकर, आपलं सहर्ष स्वागत. आपल्याला सन्मानित केलं जात आहे दीपक पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये. आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आज सन्मान होतोय. राजेश मोरावकर, मनोज पाटील यांना सन्मानित केलं जाईल. यानंतरचा सन्मान मनोज पाटील. मनोज पाटील यांचा सन्मान होतोय. जेकब सानपाड्यावरून इथे उपस्थित आहेत, त्यांना सन्मानित केलं जाईल. जेकब यांचा सन्मान यानंतर केला जाईल. सानपाड्यावरून जेकब आमच्या दीपक पाटील यांचे मित्र इथे उपस्थित होत आहेत, त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. आणि यानंतर लगेचच पुन्हा एकदा कॉमेंट्रीकडे वळूया. तिथे विघ्नेश मडवी सर उपस्थित आहेत, जाऊया त्यांच्याकडे. धन्यवाद. 6 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज येतोय अनिकेत पाटील, मॅन फ्रॉम दिवा. श्रीकृष्ण दिवा या टीमचा एक अष्टपैलू खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. 6 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईक एंडवर आहे दिवा गावचा अजून एक खेळाडू सुमित साळवी. पहिलाच बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, व्हाइट बॉलचा इशारा. कहाणी में ट्विस्ट येतोय. अजूनही 6 बॉल आणि 23 धावांची आवश्यकता. प्रदीप सर, इस मैदान को देखते हुए कुछ भी हो सकता है विघ्नेश. ये रन यहाँ पे मुकम्मल हो सकते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है यहाँ पे. या वेस अपन पाहू शकाल धावबाद होतो है. डॉट बॉल होता तत्पूर्वी, मात्र फलंदाज सुमित साळवीच्या खेळीचा अंत होतो है. पुन्हा एकदा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतला. इथे स्ट्राइक रोटेट करण्याचा प्रयत्न केला तर क्रिकेट मध्ये सातत्याने पाहायला मिळतोय. रोहित बनसोडे याचं देखील आगमन झालंय. जर पाहिलं तर टेनिस क्रिकेट 45 या माध्यमातून देखील NMPL चे अनेक ॲड्स त्यांच्या माध्यमातून, इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून रोहित बनसोडे आज आमच्यासोबत उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे. तब्बल 17,000 ते 18,000 फॉलोअर्स या इंस्टाग्राम पेजचे आपल्याला पाहायला मिळते. आणि असे अनेक पेजेस आहेत. नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट पेज हितेश वैतीचं देखील मी कौतुक करतोय. त्यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेचा लेखा जोखा आपल्याला पाहायला मिळतोय. इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी, कौतुक करेन. 23 तरार गोलंदाज आहे अनिकेत पाटील. आणि या वेळेस मात्र पकेट घट्ट केली रुद्र 11 माफे टीमने. गरज असेल अजूनही 4 बॉल शिल्लक आहेत आणि टीमला गरज असेल 23 धावांची. 4 बॉलवर 4 मोठे हिट सामना जिंकू शकतील तेवढी क्षमता आहे रोशन पाटीलकडे. आणि हा बॉल निर्णायक असेल. यावेळेस येतोय पहिला षटकार रोशनच्या बॅट मधून येतोय. संघर्षमय षटकार, 6 धावा. NMPL का अपना मजा. आणि ती मजा आणण्याचं काम रोशन पाटील करतोय. 3 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता असेल ती 17 धावांची आवश्यकता. प्रदीप सर, रोशन पाटील में वो क्षमता है अभी भी 3 छक्के मारने के. देखते हैं अगर वो 3 छक्के यहाँ पे जड़ते तो एक इतिहास यहाँ पे मुकम्मल करेंगे. और कई अरसे तक जब तक ये NMPL चलेगा तब तक इनकी याद लोग करेंगे. देखते हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. अभी भी रोशन काफी स्फोटक खिलाड़ी है, देखते क्या कुछ कर पाते हैं. लेकिन उतनी उमदा गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज अनिकेत पाटील यहाँ पे कर रहे, कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे अनिकेत पाटील. विघ्नेश, 3 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता. रोशन पाटील वर आशा असेल टीम कुक्षित एव्हेंजर या टीमचं. आणि यावेळेस फुलर लेनचा चेंडू भिरकावून दिलाय. चेंडू जातोय वर्डिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रोशन पाटीलच्या बॅट मधून येतोय एक संघर्षमय षटकार. कहाणी में पुन्हा एकदा ट्विस्ट.
पुन्हा एकदा मॅच मध्ये कलाटणी येतोय, पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये वेगळा रंग भरण्याचं काम रोशन पाटील करतोय. रोशन पाटील मॅन फ्रॉम तुर्भे, लाजबाब खेळी, बॅक टू बॅक दोन बॉलवर दोन षटकार. आता गरज असेल ती म्हणजे दोन बॉल आणि धावांची, 11 धावांची आवश्यकता. अब दबाव जो है ये पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर, अनिकेत के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से रोशन का नाम है उस तरीके का काम मैदान के बीच में रोशन अपनी टीम के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं. अब ये जो गेंद यहाँ पे गेंदबाज अनिकेत फेंकेंगे ये काफी कारगर साबित होगी. हार और जीत ये गेंद यहाँ पे तय करेगी, देखते हैं क्या कुछ होता है. लेकिन बहुत ही उमदा क्रिकेट का मुजाहरा मैदान के बीच में दिखाई दे रहा है इस भूमिपुत्र मैदान में विघ्नेश. यस, संघर्ष खेला है कुक्षेत एवेंजर टीम ने, संघर्ष खेला है रोशन पाटिल ने. न तकलीफ न संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में. ही मैच अतिशय महत्त्वाची आहे, दोन बॉल 11 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी ट्रॅक वर गोलंदाज येतोय, अनिकेत पाटील विस्फोटक फलंदाज, रोशन पाटील सेकंड वर आहे. यावेळेस आपण पाहू शकाल डॉट बॉल, डॉट बॉल सुस्कारा सोडला असेल रुद्र 11 माफे टीमच्या डगआउट मध्ये, कारण की हा डॉट बॉल मात्र आपल्या या विजयाच्या दिशेने घेऊन जाईल. एक बॉल 11 धावांची आवश्यकता आहे. व्हाइट बॉल साठी कुठलाही रिव्ह्यू नाही, ऑन फील्ड जे अंपायर डिसिजन देतील तो डिसिजन विल बी फायनल डिसिजन, लक्षात घ्या. अंपायर साठी कुठलाही रिव्ह्यू नाही, तर एक बॉल जर व्हाइट बॉल साठी कुठलाही रिव्ह्यू नाही लक्षात ठेवा. एक बॉल आणि 11 धावांची आवश्यकता, एक बॉल 11 धावा, काही मॅच झालीय, सुरेख सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक बॉल आणि 11 धावांची आवश्यकता. पुलर लेनचा चेंडू आहे, बिरकावून दिलाय षटकाराने आणि मात्र 5 धावाने हा सामना पराजयाला सामोरं जावं लागेल. वेल प्लेड रोशन पाटील, फॅब्युलस बॅटिंग परफॉर्मन्स आणि कॉंग्रॅच्युलेशन रुद्र 11 माफे टीम. तर जाऊया आपण मॅन ऑफ द मॅच चा खिताब, नो डाऊट अबाउट दॅट. NMPL एडिशन 3 चं पहिलं अर्धशतक ज्याने लगावलं आणि सध्याच्या घडीला